अबे यार, मैं कपड़े ही खरीद रहा था मेरी शादी के लिए। अरे आ गए क्या तुम लोग? अरे यार कॉन्ग्रेचुलेशन तुम्हारे भाई को, बोलो तुम्हारे भाई की शादी है। पर यार मैं जब कपड़े खरीद रहा था ना यार, मस्त सूट वूट खरीद रहा था अपनी शादी के लिए, तो पंडित जी का फोन आ गया, बोल रहे कि कोई दुविधा आ गई है, तो वो दुविधा निपटाने आ गया। मैं जल्दी से, पता ही नहीं पंडित जी तो क्या है यार, मुहूर्त निकल गया ना तो पंडित जी को मारूंगा बहुत ज्यादा, सही बता रहा हूँ मैं। अरे पंडित जी क्या हो गया, फालतू में बुला लिया? मैं कपड़े ही खरीद रहा था, आपने भी कपड़े भी नहीं खरीदने दिए। बताओ क्या दुविधा आ गई, किस में आग लग गई बताइए। उड़ा बेटे जल्दी आ इधर, क्या हो गया बताइए बताइए। उड़े ये लोग तेरे दोस्त है ना? हाँ मेरे दोस्त है। हाँ और क्या हाल है दोस्तों? अरे ये लोग तेरी बीवी से शादी करना चाहते हैं। अरे मैं भी इसकी बीवी बनी नहीं हूँ। और हाँ मतलब तेरी होने वाली बीवी से ये लोग शादी करना चाहते हैं। क्या क्या बकवास कर रहे बुड्ढे, बड़ा बुड्ढा मत बोल पंडित जी को। आइला मैं करूंगा शादी। अरे तुम नहीं, मैं करूंगा शादी। हल करेगा शादी। अरे रुको रुको यार, ये क्या चल रहा है यहाँ पर, ये तेरे दोस्त है या दुश्मन है? अबे क्या बकवास कर रहे हो ये सभी के सभी लोग। बड़ा तू पूछ मुझे क्या पता। रुक जा मैं ही पूछता हूँ। अरे सुमित यार, इतनी सुंदर लड़की है, इससे तो मैं शादी करूंगा। ए मैं जो इसे दूंगा वो तू इसे कभी भी नहीं दे सकता। अबे तू पागल हो गया क्या टोनी स्टार्क? वो मेरी वाइफ बनने वाली है, ठीक है, वो मुझसे प्यार करती है। अच्छा अच्छा, वो उससे पूछते हैं कि वो तुमसे प्यार करती है नहीं करती है। हल करेगा शादी, हल करेगा। अरे भाई साहब ये क्या बकवास चल रही है यहाँ पर, देख रहे इतने सारे लोग एक लड़की के ऊपर टूट पड़े। क्या करूँ मैं, मुझे क्या पता, तू बता तू किससे शादी करेगी। मुझे वैसे तो करनी तो तुमसे ही है। हाँ सुन लिया तुम लोगों ने, भागो यहाँ से, मुझसे शादी करनी है। अरे बात तो सुनो उसकी पूरी। लेकिन मैं एक चांस दे सकती हूँ किसी और को भी, मैं भी चाहूँ ना मुझे सबसे परफेक्ट दूल्हा मिले दुनिया का। है अरे वाह, हमारा भी चांस बन गया ना। आई लव, मैं करूंगा शादी। ओए कैप्टन अमेरिका करेगा शादी इससे। हल करेगा इससे शादी। अरे भाई साहब यहाँ पर ये क्या बकवास चल रही, मेरे शादी वाले दिन ये सब होना था, मेरे को मेरे दोस्तों को बुलाना ही नहीं था यार शादी पर। कितने बेकार क्या बिकारी लोग यार, ये लोग तो लड़की के ऊपर पड़ गए। हाँ तो मेरी बात सुनो, जो अभी मेरे लायक होगा वो उससे करूंगी शादी। अरे भागो भागो, मारेगी है तो भागो। अरे ये लोग तो डरपोक है बिल्कुल, लेंडी ठोक गई के। कोई बात नहीं, तो पंडित जी आप बताइए मैं क्या करना चाहिए। अरे मेरे को क्या पता बेटी, तू जाने। हाँ तो काम करो, जो मेरे लिए सबसे बेस्ट गिफ्ट लेके आएगा, जो गिफ्ट मुझे सबसे ज्यादा पसंद आएगा मैं उससे शादी करूंगी। तो तुम सभी लोगों के पास है 5 मिनट का टाइम, 5 मिनट में गिफ्ट लेके आओ मेरे लिए, जो भी सबसे अच्छा गिफ्ट लाएगा उससे करूंगी शादी। ये क्या कह रही है तू? हाँ मैं भी तो चाहूँ कि मैं सबसे दुनिया के अच्छे आदमी से शादी करूँ, ऐसे अरे गहरे से नहीं। अबे यार कोई बात नहीं, मैंने तेरे को एक बार पाया तो मैं दूसरी बार भी पालूंगा। अगर तुम पा सकते हो तो पा ही लोगे ना मुझे। हाँ तो गाइस यार यहाँ पर कोई शर्म की बात तो है नहीं, बस मुझे मेरे प्यार को एक और बार साबित करना है। जैसे एक बार मैं साबित कर चुका हूँ तो हम दूसरी बार भी साबित कर देंगे यार, कोई बड़ी बात नहीं है, आखिर में मैं तो सुमित ओपी। उड़ा बेटे मैं क्या करूँ, पंडित जी आप तैयार रहिए शादी करने के लिए। अरे शादी तो मैं ही करूंगा। हाँ वो तो टाइम बताएगा कौन किससे शादी करने वाला है, ठीक है। हाँ तो तुम लोग जाओ और मेरे लिए गिफ्ट लेके आओ, जो सबसे प्यारा गिफ्ट लाएगा उससे करूंगी मैं शादी। देखती हूँ कौन लाता है मेरे लिए सबसे ज्यादा प्यारा वाला गिफ्ट। तो जाओ जल्दी से, खड़े खड़े क्या देख रहे हो, मेरा मुँह गिफ्ट लेके आओ मेरे लिए अच्छा वाला। जाओ जाओ। ओके तो गाइस यार यहाँ पर हमें एक गिफ्ट लाना पड़ेगा, और मेरे को पता है यहाँ से दो लोग तो पहली बार हो चुके हैं, जिसका नाम है हल्क और स्पाइडरमैन। क्योंकि स्पाइडरमैन के पास इतने पैसे नहीं है कोई वो गिफ्ट विफ्ट लेके आते, तो मैं पता है आंट में बहुत गरीब है, तो स्पाइडरमैन तो ऐसे ही बाहर हो गया, और उसके बाद बचा हल्क। तो भाई हल्क तो ऐसे बीच में फालतू बकवास करने आ रहा है, यहाँ पर हल्क का कोई मीनिंग नहीं बनता ना, तो हल्क भी बाहर हो गया। तो यहाँ पर कौन कौन बचता है, यहाँ पर मैं बचता हूँ, और यहाँ पर भाई डेडपूल। हाँ भाई डेडपूल एक नंबर का हरामी आदमी है, डेडपूल बचा, तीसरा बचता है टोनी स्टार्क जो मुझे टक्कर दे सकते हैं। तो अभी मेरे को लाना होगा गिफ्ट यार, और गिफ्ट में भी ये दोनों मुझे अच्छा आसानी से टक्कर दे सकते हैं, क्योंकि भाई टोनी स्टार्क के पास तो इतने सारे पैसे, वो नहीं पता क्या लाके दे सकता है, और भाई डेडपूल के जुगाड़ बहुत ज्यादा, वो भी कुछ भी लाके दे सकता है यार। कोई भी अगर आया यहाँ पर तो देख लेना, गोली चला देना सभी चारों तरफ। अरे टेंशन मत ले सर, आपकी गाड़ी बिल्कुल सुरक्षित है। अरे मेरी गाड़ी दुनिया की सबसे एंटीक गाड़ी है, मैंने इसके अंदर जो मॉडिफिकेशन करवाई है ना, आज तक फरारी ने किसी भी गाड़ी के अंदर ऐसी मॉडिफिकेशन नहीं की है, एकदम नेक्स्ट लेवल मॉडिफिकेशन है मेरी गाड़ी के अंदर, बोले तो चुम्मेश्वरी मॉडिफिकेशन। मैंने बहुत दूर से एक्सपोर्ट करवाई है मेरे यहाँ पर, ठीक है, तो इसका प्रोटेक्शन पूरा चाहिए। तुम लोगों को 50,000 रुपए देता हूँ महीने के इस चीज के लिए मैं। हाँ तो गाइस यार आप लोगों को समझ में आ गया होगा, मैं आ चुका हूँ वो फरारी चुराने के लिए जो इस घर के अंदर खड़ी है, और जो यार मेरी होने वाली वाइफ है उसको फरारी बहुत ज्यादा पसंद है। लाइक उसने मुझसे गिफ्ट मांगा था फरारी, पर मेरे पास जब थी नहीं, तो इसलिए अब मैं उसको गिफ्ट दूंगा, वो भी इसे चुरा के, और ऊपर से रेड कलर उसका फेवरेट कलर है। तो यहाँ पर ये रेड कलर की फरारी हम लोग चुराने आ चुके हैं, और मेरे को पक्का पता है मुझसे अच्छा गिफ्ट कोई नहीं दे सकता, क्योंकि यार वो मेरी ऑलरेडी गर्लफ्रेंड रह चुकी है, मुझे पता है उसे क्या पसंद और उसे क्या पसंद नहीं है, ठीक है ना। तो इसलिए हम लोग इसे ये वाले गिफ्ट देंगे जो कि सबसे ज्यादा लेजेंडरी और सबसे ज्यादा कूल होगा। अबे यार मैं तो ऊपर ही नहीं चढ़ पाया यार, कोई बात नहीं यहाँ से देखते हैं। ओके तो भाई सब यहाँ पर एक सिक्योरिटी गार्ड है, गन निकालता हूँ मेरी शॉर्ट गन पंप गन, 1 2 3 4 5 5 है, ये लग गया, ओ तेरी जय, देख ले लगता है।
अबे भाई कुछ ज्यादा सिक्योरिटी गार्ड है यहाँ पर। कोई बात नहीं कोई बात नहीं, मैंने भी यहाँ पर भाई कवच पहन रखा है। अबे रुक जा तेरी ऐसी, अबे मरता है ये ले, अब मर गया लगता है। वो तो सही है, यहाँ पर मैं कवर में खड़ा हूँ, ये ले तू भी और ये ले। एक तो मेरा निशान इतना ज्यादा मस्त है यार, इतनी दूर से मार रहा हूँ। ओए रुक जा, ओए भाई पास आ गया, मेरे को ध्यान नहीं रहा। तू भी निकल और ये ले। अबे यार क्या है, निशाना क्यों नहीं लग रहा? दूसरी गन निकालता हूँ, इससे तो पक्का मरोगे तुम लोग। अब की बार तो कोई नहीं बचेगा क्योंकि अब की बार मोदी सरकार है। ये ले गया 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 गया, और कोई तो नहीं बचाना। वो ये कौन है? ओए भाई साहब मैं लगता है इसके मालिक को मार दिया गलती से, या फिर उसको गोली लग गई गलती से, पता नहीं क्या हुआ। पर हम लोग यहाँ से जल्दी से निकलते हैं, इससे पहले यहाँ पर पुलिस आ रहा है। शिट 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 शिट, भाई देख रहे हो कितनी पावर है भाई, उड़ गई गाड़ी हवा में, इतनी पावर इस फरारी के अंदर, क्योंकि भाई ये कस्टम मेड फरारी है। लो सेंटोस में सिर्फ सिंगल है, और इसकी हॉर्स पावर पता है 2800 हॉर्स पावर। इसके अंदर 2800 बहुत ज्यादा होती है, 2800 हॉर्स पावर मतलब बहुत तेज, बहुत ज्यादा, मतलब बगाड़, क्या ही बोलूं इसके बारे में। अब चलते हैं और देखते हैं यार। बस टेंशन मेरे को ये हो रही कि टोनी स्टार्क मुझसे अच्छा कोई गिफ्ट ना लेके आ चुका हो, या फिर वो डेडपूल का बच्चा। क्यों डेडपूल भी तुम लोगों को पता है बहुत एक नंबर का हरामी आदमी है, बस वो मुझसे अच्छा गिफ्ट नहीं लेके आया हो वरना दिक्कत हो जाएगी। शिट मैंने किसी का रैबिट मार दिया, ओह माय गॉड मर गया। चलो चलो जल्दी निकलते हैं। तो गाइस यार मैं मेरा गिफ्ट छुपा के आ चुका हूं, क्योंकि मैं नहीं चाहता किसी को पता लगे कि मैं क्या गिफ्ट देने वाला हूं। पहले मेरे को ये पता लगे कि वो लोग क्या गिफ्ट देंगे, जिससे मेरे को आइडिया लगे कि मेरा गिफ्ट दिखाने लायक है भी या नहीं है, या फिर मुझे कुछ और लाना चाहिए। और एक तो ये मेरी गाड़ी यार, ये एक नंबर की सुपर कार, इतनी तेज भगती है ना, देखियो कंट्रोल में भी ना आती। ओके तो गाइस यार हम लोग वापस आ चुके। एक सेकंड, अबे ये लोग गिफ्ट क्यों नहीं लेके आए? अबे क्या हुआ यहाँ पर स्टोनी, गिफ्ट कहाँ है तेरा? अरे तुम लोग भी जो भी गिफ्ट लेके आए हो मुझे वो देखना नहीं है। क्यों क्यों नहीं देखना? अरे सॉरी मुझे छींक आ गई। हाँ क्यों नहीं देखना? अरे वो गिफ्ट जो भी जीतेगा ना, मतलब तुम में से उसे मिलेंगे। मतलब? हाँ सही समझा, मैंने बाबा से बात कर ली है, बाबा एक रैम चैलेंज करवाएंगे, उस रैम चैलेंज में जो जीतेगा वो मुझसे शादी करेगा, और तुम तीनों जो भी गिफ्ट लेके आए हो वो गिफ्ट उसे मिलेंगे। अच्छा मतलब जो उस रैम चैलेंज के अंदर जीतेगा उसे असल में वो सारे गिफ्ट मिलेंगे जो हम तीनों लेके आए हैं। हाँ एकदम सही। ओके ओके चलो, वो रैम चैलेंज कहाँ पर होने वाला है, कब होने वाला है? मैं रैम चैलेंज के लिए तैयार हूँ, मैं कुछ भी करूंगा तुम्हें पाने के लिए। डेडपूल, डेडपूल भी कुछ भी करेगा तुम्हें पाने के लिए। डेडपूल बहुत देर में बोलो। हाँ, मैं तो बोलता हूँ खोल के बोलता हूँ। हाँ तो ठीक है खोल के बजाने एक दूसरे को। बेटी क्या कर रही है तू, ये सब क्या कर रही है? अरे बाबा कुछ नहीं, मैं देखना चाहती हूँ मेरे प्यार में कितना दम है। अच्छा इस बार मुझे क्यों छींक आ गई यार, मेरे को ऐसा क्यों लगता है मेरे साथ कुछ बुरा होने वाला है? वाह तो तुम सभी लोगों का स्वागत है आज के खतरनाक वाले रैम चैलेंज के अंदर। तो सब लोग आप लोग तैयार हैं, तो सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि आप लोग ही हमारे सभी दर्शक हैं और आप लोग ही देखोगे। और तो सबसे पहला यहाँ पर खतरनाक आदमी है टोनी स्टार्क, जो असल में मल्टी बिलियनेयर है। अरे अंकल वो बिलियनेयर होता है? और वही मल्टी बिलियनेयर है, एकदम खतरनाक तरीके से, एकदम मस्त वाले। हाँ तो अगर तुम यहाँ पर जीतते हो तो तुम्हें मिलेगी वो लड़की, आया तुम्हें समझ? अरे बिल्कुल, इतनी खूबसूरत लड़की के लिए तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ। और उसके बाद ये लाल लखोटा। ओ पंडित जी तुम्हें पता नहीं मैं कितनी तेज मारता हूँ। बड़ा बेटे मेरे को क्यों मारेगा, मारे अपने घर जाके मार किसी को। पंडित जी तलवार की नोक पे नचा देता हूँ मैं दुनिया को। वो है बड़ा अजीब आदमी लाल लंगोटे वाला। और भाई साहब समझ जी तुम। हाँ पंडित जी, और आपके साथ बड़ा स्कैम हो रहा है, आपकी बीवी आपसे शादी ना करके रैम चैलेंज करवा रही है। अरे कुछ नहीं, वो बस मेरे को अपने प्यार को साबित करना है, वही होने वाला है यहाँ पर। हाँ तो साबित करना, दिखाना कि तुम अपने प्यार से कितना प्यार करते हो साबित करके। हाँ तो यहाँ पर ये रैम चैलेंज स्टार्ट होगा इन 3 बाइक्स को लेकर, उसके बाद तुम्हें यहाँ से नीचे जाना फुल स्पीड में, और ये से लगाने जंप, और यहाँ से राइट लेफ्ट जो तुम्हें लेना वो तुम्हें पसंद आए जो भी है, और उसके बाद इन सभी बम्प्स को क्लियर के टम टम करते हुए तुम यहाँ पर आओगे बुरेटो चिप्स के ऊपर से कूदते हुए, तुम यहाँ पहुंचोगे गोल में होल। और ये रही तुम्हारा प्राइस, मैं तुम लोगों का वेट कर रही हूँ, देखती हूँ कि मेरे साथ किसकी शादी होगी। हाँ तो तुम लोगों ने सुन ही लिया होगा, ये है तुम्हारी राजकुमारी, एकदम कुमारी। अरे हाँ तो सबसे पहली बारी मेरी है। ओके चल एक बार काम कर, टोनी स्टार्क कम से कम ये तो बता ही सकता है तू गिफ्ट क्या लाया था, क्योंकि जीतने वाले को ही मिलने वाला है ना वो सब। अरे मैंने असल में मेरे होने वाले वाइफ के लिए एक बहुत ही शानदार वाला बंगलो खरीदा, बोले तो बहुत बड़ा वाला मेंशन। ओ भाई ये तो मुझसे भी अच्छा गिफ्ट लेके आया था। अरे क्या हुआ सुमित, तुमसे अच्छा गिफ्ट ले आया क्या मैं? अबे ना कहाँ, छी बेकार गिफ्ट है बिल्कुल। हाँ तो कोई बात नहीं, वैसे तूने एक चीज गलत बोली। क्या चीज गलत बोली मैंने? कि वो तेरी होने वाली वाइफ है, वो अपने दिमाग से लगा निकाल दे तू भाई, नहीं जीतने वाला यहाँ पर। अरे तुम्हें क्या पता मेरे बारे में? अरे छोरे तू मेरे बारे में को नहीं जानता, मैं हरियाणा का खाकगड़ू। अरे क्या बोला तू? कुछ ना बोला तू, कराए ना अपना काम। अरे ठीक है देख ना मैं कैसे जीतता हूँ, तुम जानते नहीं हो मेरे को। हाँ हाँ तू मेरे को भी नहीं जानता है, ये देख कितनी स्पीड से बाइक चला रहा हूँ मैं, आगे से ठा दूंगा पीछे से घुमा दूंगा। हाँ हाँ देख ही रहा हूँ, देखता हूँ कितना जीतने वाला है तू, ये देख। अरे स्पीड ब्रेकर्स कितने बना रखे हैं।
अरे भाई स्पीड ब्रेकर बनेंगे ना कुदेगा जभी तो डचक मचक तो जभी होगी। अरे यार तुम चुप रहो यार, ये बकवास बात मत करो मेरे साथ, ठीक है ना? मेरे को स्कैमर लगते हो तुम। हाँ मैं स्कैम करता हूँ तेरे जैसे पागल आदमियों के साथ। अरे यार ये मेरा दिमाग चाट रहा है, मैं सही बता रहा हूँ, तेरी खोपड़ी फोड़ दूंगा भाई। खोपड़ी फोड़ने के लिए लठ चाहिए, और लठ तेरे पे है नहीं, लठ तो मेरे पी है भाई। अरे क्या है बकवास कर रहा है, शिट यार इसके चक्कर में इसकी बातों में आके, और ये क्या मेरा तो यहाँ पर सत्यानाश हो गया, मेरा बंगलो गया मेरे हाथ से। ओह माय गॉड, डेडपूल की बारी, डेडपूल चलेगा कूल कूल और सबकी फाड़ेगा धूल धूल। क्या बकवास कर रहा है, एकदम मजा नहीं आया डेडपूल, तेरा चुटकला एकदम खराब था तेरी तरह। तू क्या देखेगा वो मंजर जिसके ऊपर मैंने चलाए हुए बहुत सारे खंजर। ये अच्छा था गुरु, बहुत अच्छा था ये। डेडपूल से अच्छी शायरी कोई नहीं मारता, मैं तलवार चलाता हूँ हवा में और तेरे जैसे मैंने बहुत देखे इस जहां में। वेरी गुड वेरी गुड, वेरी नाइस वेरी नाइस। वैसे डेडपूल एक बात पूछूं? हाँ पूछो। अबे यार तू क्या गिफ्ट लेके आया वैसे? ये नहीं बताऊंगा, गुप्त नहीं है, चीजों को गुप्त रहने दो। मैं गुप्त रोगी हूँ, बहुत पुराना दिल है मेरा, बहुत ज्यादा शाना। अबे भाई शायरियां मारना बंद कर, तू ये बता लेके क्या आया है? मेरे को शर्म आती है मेरी चीजें बताने में, मैं नहीं बताऊंगा। एंड में तुम्हें पता लग जाएगा कि मैं क्या लेके आया हूँ, क्योंकि बनूंगा तो मैं ही दूल्हा उस रानी का। अबे यार ये भी एक नंबर का बकलोल आदमी, से मैं कितनी बकवास कर रहा है, तेरा रैप्ट बजा दूंगा तीन। शायद तू मेरे खंजर के बारे में जानता नहीं है, जहाँ जाता है वहाँ हर चीज बंजर हो जाती है। अबे यार इसके डायलॉग बाजी बंद करो यार, कोई मेरा दिमाग खा लिया इस आदमी ने, बकवास आदमी कहीं का, चल यहाँ से। हाय क्या हुआ, टोनी के साथ तो तुम बहुत गप्पे लड़ा रहे थे, मेरे साथ लड़ाओ ना। अबे यार ऐसे आदमी से लड़ाई ना जाए, भाग यार, अबे मेरे को बात नहीं करनी, तो भाग। छी छी, हाय मैं क्यों जाऊंगा? अबे ओए डेडपूल क्या कर रहा है? अरे मेरे को लगा था यहाँ पर स्टंटबाजी करके दिखानी, इसलिए मैं ज्यादा तेज कूदा गया। शिट मेरा भी गया पॉपट कट। ओह माय गॉड, ओए बेटे अरे कौन लोग आए रेम शेल नहीं करवाने, मेरा दिमाग खराब हो गया। क्या हो गया बाबा जी? अरे इतनी बकवास कौन करता है यार, मेरा दिमाग में कीचड़ बढ़ गई कीचड़। मेरे को जल्दी से जानने भाई, मेरे को दो मंत्र पढ़ने के लिए बुलाया था तुमने, ये भाषण देखनी पड़ रही है तुम लोगों की। अरे पंडित जी टेंशन ना लो, बस यो लास्ट है भाई। ओ ठीक है बेटा मान लेता हूँ। हाँ तो ठीक है, टेंशन मत लो, तुम बीपी की गोली ले लियो घर जाके, ठीक है भाभी जी ने बोल दूंगा मैं। वाह भाभी जी से मत बोलिए कि मैं ये सब बकवास करा रहा हूँ, वो मेरी जान काट देगी घर जाकर। हाँ ठीक है नहीं बताऊंगा। तो गाइस यार यहाँ पर डेडपूल ने एक्चुअली बताया नहीं कि यार वो क्या प्रेजेंट लेके आया था, ठीक है? अब मेरे को पता नहीं है क्या प्रेजेंट लेके आया होगा, प्रेजेंट होता है प्रेजेंट होता है क्या रहता है, पेटी की आँख पता, बोला भी नहीं जा रहा यार मुझसे यार वो। तो कोई बात नहीं, तू अब जल्दी से बाइक चला यार, जीत ले। हाँ जीतूंगा जीतूंगा। और गाइस यार मेरे को काफी खुशी ये हो रही है, वैसे डेडपूल को मुझसे ज्यादा अच्छी बाइक चलानी आती थी, बहुत तगड़ी बाइक चलाता है वो, पर वो थोड़ा भावनाओं में बह गया था, उसको लगा वहां पर स्टंट मारना है, स्टंट नहीं मारना था, उसे उस फ्लोर पे जाना था और वो ज्यादा आगे चला गया। और यहाँ पर टोनी स्टार्क को बाइक चलानी आती नहीं है भाई, कहाँ यार वो अपना सूट वूट उड़ता रहता है पूरे दिन, सुपर कार चलाता है, सुपर बाइक कहाँ चलाता है वो। और गाइस यार यहाँ पर तुम्हारा भाई तो है ही एकदम लफाड़ी और यहाँ से जीत के ही जाएगा, 100% मिलियन परसेंट बोल रहा हूँ मैं ही जीतूंगा यहाँ पर। बस थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है, ये बर्गर थोड़े ज्यादा बड़े हैं। अरे अंकल ये बर्गर किसने बनाए हैं? और तू कभी पंडित बोला, कभी अंकल बोला, सोच ले तुझे बोलो के। ओए बच गयो। अरे पंडित जी रुक जाओ यार, मेरा बीपी हाई हो गया था एकदम, मेरे को बीपी की गोली चाहिए होगी। ओ शिट मैंने शायद ज्यादा जंप लगा ली। ओए नहीं बच गया। गाइस यार पंडित जी ने यहाँ पर इतना बड़ा रैकेट बना रखा था, इसमें फंस गया वरना सीधा बाहर जाता है। अरे वाओ आखिरकार सुमित तुमने अपना प्यार फिर से साबित कर दिया। मैंने बोला ही था मैं तुम्हें एक बार पा चुका हूँ तो दूसरी बार पाने में ज्यादा प्रॉब्लम होगी नहीं। हाँ बिल्कुल सही, मजा ही आ गया। अरे वैसे तुम्हें तो पता है कि आखिर किसने क्या गिफ्ट दिया है, तो डेडपूल ने तुम्हें क्या गिफ्ट दिया है? अरे उसने तो मुझे क्यूट सा पपी दिया है। क्या डेडपूल और एक प्यारा सा पप्पी लेके आया? ओ भाई बात नहीं जच रही, हजम नहीं हो रही मेरे को, सच बता। मैं झूठ थोड़ी बोलूंगी, तुमने मेरे को फरारी दिया रेड कलर की और डेडपूल ने मेरे को एक पप्पी दिया है प्यारा सा, और साथ में एक मेंशन दिया टोनी स्टार्क ने। भाई साहब इतना अच्छा डेडपूल मेरे को नहीं पता था, और सही में मेरे को रोना आ रहा है उसके लिए। चला जा जल्दी से मेरी रानी। ओ तो दोस्त तुम्हारे भाई का शादी होने वाला है, पर गाइस यार मेरा कोई यार दोस्त नहीं आया क्योंकि सब लोग इसके पीछे पागल थे और मैंने किसी को नहीं बुलाया, ना ही किसी और को बुलाया, माइकल ट्रेवर को भी नहीं बुलाया, वो भी भाई पागल एक नंबर के, क्या पता यहाँ पर क्या क्या बोलते आके। अरे बस तो अब मैं किसी और शादी थोड़ी करूंगी, पागल हो क्या? उरे तो तुम दोनों आज ये पवित्र बंधन में बंधने जा रहे हो, तो सबसे पहले कन्यादान की बात करें, वो तो आया ही नहीं क्योंकि कोई कन्या को दान ही नहीं करने आया, सभी लोग शादी करने आए तो कन्या के लिए दान आया नहीं यहाँ पर बिल्कुल भी। और तो तुम लोग सुखी जीवन जीना, तुम एक दूसरे को पति पत्नी मानते हो, इस भगवान से नाते से मेरे को घर जाने दो, मेरी पत्नी मेरे को वोट मारेगी, प्लीज भगवान बचा ले। अरे यार पंडित जी रो मत यार, अभी तो आपको दक्षिणा भी दूंगा, टेंट बना जिमोगे के,
और हाँ ये वो सब्जी पूरी मेरी घाल दियो घर लेके जानी। हाँ ठीक है पंडतायन के लिए घाल देंगे हम। अरे मेरे लिए तो रुको। अरे रुकी रहा हूँ, मच्छर आ गया मुँह पे फालतू का। अरे मच्छर को छोड़ो, अब तुम्हारी महारानी आ गई। हाँ हाँ वही वही सेम सेम। चलो अब जल्दी से, कहाँ चल रहे हम घूमने के लिए? घूमने के लिए? हाँ वो मैंने नहीं सोचा। क्या तुमने मुझसे शादी कर ली और ये नहीं सोचा कहाँ घुमाने लेके जाओगी? अरे सोचा है ना। मुझे गुस्सा मत दिलाओ, मुंह तोड़ दूंगी तुम्हारा। ओके यार ये क्या है, शादी हुई नहीं उससे पहले मुंह तोड़ने की बात कहाँ से आ गई? बस चलो अब चलिए इस घर पर। हाँ वो मेंशन में चलते ना, इंटरनेशनल मेंशन मिला है तुम्हें जो टोनी स्टार्क ने दिया है। हाँ तो मुझे दिया है, तुम्हें थोड़ी दिया है। तू तो ऐसे क्यों बात कर रही है मुझसे? मैं तो करूंगी, तुम्हारी वाइफ हूँ ना। अबे तू मतलब एक सेकंड पहले मेरी शादी हुई है और तू ऐसे बात कर रही है मुझसे, यार ये अजीब है। अरे चुपचाप चलते हो, नहीं चलते हो? मेरे को ऐसा क्यों लग रहा है मैंने गलत शादी कर ली यार, मैं फंस तो नहीं गया कहीं पर? अब चलो जल्दी से देखते कैसा मेंशन मिला है, तुम्हारी फरारी भी वहीं पर खड़ी होगी शायद। शायद का मतलब क्या था मेरे को समझ नहीं आया। अरे मेरे को नहीं पता तुम्हारी गाड़ी कहाँ पर है। मैंने तेरे को चाबी दी थी भाई, कितनी मेहनत से चुराई थी मैंने। क्या तुम उसे चोर के लाए थे? और के तेरा बाप ने दिए मेरे ते? हाँ, मेरा बाप तो तुम्हें क्यों देगा कुछ, मैंने तो दहेज नहीं दिया ना, रोगे ना तुम। अरे यार ये बकवास बात मत करे तू। ठीक है ये रहा पपी, दिख गया मेरे को। ओ बेटे कितना क्यूट पपी यार, ये रही फरारी। मुझे तुमसे बात ही नहीं करनी। अब यार तू गुस्सा क्यों हो गई, पागल है क्या थोड़ा? हाँ पागल हूँ मैं थोड़ी सी, बोल क्या करेगा तू। क्यूट क्यूट पप्पी, कितना क्यूट पप्पी है सही में। ओह माय गॉड दिस इज सो गुड, वेरी गुड। अबे यार अजीब चीज में फंस गया यार, मेरा तो दिमाग का गोबर हो गया यार। थोड़ी देर पहले इतना प्यार कर रहे थे, इसने तो बैंड बजा दी सही में। गाइस यार सही में लड़की है बड़ी बड़ी बहुत अजीब होती है यार, मैं तो बोलना भी भूल रहा हूँ इसके चक्कर में। अरे घर क्या कर रहे हो तुम अंदर घुस के? घर भी ना देखूं, चोर चूर घुस रहे होंगे। मतलब तुम घर देख लो, मुझसे बात मत करो, यहाँ पर तुम घर ही देखने तो आए हो। अबे प्लीज मत दिमाग चाट मेरा। अच्छा अब मैं तुम्हारा दिमाग भी चाट रही हूँ। गाइस यार ये किसको लेके आ गया मैं एंटीवायरस को, मेरी जिंदगी का वायरस साफ करने के लिए। क्या तुम मुझे अपने पीसी से कंपेयर कर रहे हो? अरे नहीं नहीं कहाँ पीसी कहाँ है, तू कितनी खूबसूरत है। अबे इसमें तो पैडे भी ना है, ऊपर कैसे टांट तो चढ़ेगी। अरे मैं क्यों टांट से चढ़ूंगी, तुम्हें देखना चाहिए ना। और ये दोनों कौन है? और मेरी दोस्त है। अबे तो ये मेरे बेडरूम में क्या कर रही है, इनको भगाना यहाँ से। नहीं मेरे साथ रहेंगी ना वो। अबे तेरी दोस्त है ना अपने साथ, यार तेरी मुझसे शादी होगी, अपनी दोस्तों को फेंक निकाल के यहाँ से। अरे वो मेरे साथ रही, मेरी बेस्टीज है, बेस्टीज। गाइस यार तुम लोग घर तो देख रहे हो ना कम से कम, मैं तो उसके भाई रोने सुन रहा हूँ। वो बेटे GT5 मोडाउस की वेबसाइट खुल रही है, कोई नहीं नए मोड डाउनलोड करेंगे। अरे क्या कर रहे हो तुम, अब फिर कुछ ना कुछ ढूंढने लग गए। अबे घर देख लूं, देख लूं कुछ क्या क्या है यहाँ पर, पिज्जा किसने खाया है? मेरी दोस्तों के लिए मंगाया था मैंने। तो पैसे किसने दिए इसके? तुम्हारे क्रेडिट कार्ड से काट लिए। अरे तो पूछ तो लेती है एक बार। अरे मैं क्यों पूछूंगी, तुम्हारी पत्नी हूँ ना। भाई मेरे को चक्कर आ रहे हैं, मेरे को लगता है मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी आज, मतलब दुनिया की सबसे बड़ी गलती कर दी। अरे बेटे कितना मस्त पूल है। अरे पूल को गंदा करोगे पहले। अरे छी पूल में डायरेक्ट घुस गए कपड़ों के साथ। अबे तो क्या हो गया? मैं नहीं करूंगी तुम्हारे कपड़े साफ, पहले बता रही हूँ। अरे यार ऐसे मत करना। अरे ये मस्त जगह है। अब चल ठीक है, इतनी बात कर ली, अब सॉरी बुरा लगा तो तुझे यार। अरे ठीक है मैं तो मजाक कर रही थी। हाँ तो गाइस यार चलो, हमारी तो लड़ाइयाँ होती रहेगी, पर आप लोग कहाँ जा रहे हो? वीडियो अच्छी लगी तो मुझे लाइक कर देना, चैनल पे पहली बार भूले बैठ गए तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। हम लोग मिलेंगे इसको नई वीडियो में नई स्टोरी के साथ, जब तक लिए राम राम जी। और कितना प्यारा पप्पी है सैमी। और तुम भी कितनी प्यारी हो। वो तो मैं हूँ ही, तुम तो देखो कितने काले हो। यार तू ऐसे क्यों करती है 24 घंटे? हाँ मैं ही करती हूँ ना सब कुछ। ठीक है बाय बाय गाइस, बाय बाय। हाँ बाय बाय।